Lo jalé, ser, yo me जो ने आपको जो ट्रेनिंग साथ में देता हूँ आपको ट्रेनिंग लगातार दी बिट्टू जय सर बस अभी तो बच्चे ज्यादा दिख रहे हैं क्लास में तो कम दिखते हैं फिजिकल क्लास में मैं अपना परिचय दे देता हूँ बात तो दिया था आप लोगों को फिर से मैं आर्य बनखेड़े मार्शल आर्ट कराते में ब्लैक बेल्ट सेकंड राउंड थाई बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट हूँ और ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ ये तो मार्शल आर्ट की विधा हुई वर्तमान में मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एंड विथ फेयर डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ जिसमें एज अ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पार्टनर और पटन ब्लॉक मेरे पास में फिजिकल टीचर हूँ खिलाड़ियों को तैयार करना ही हमारा काम रहता है डेली ये काम रहता है फिजिकल का तैयार करना और स्पोर्ट्स में जो जिस खेल के लायक होता है उसको उस खेल में प्रमोट करना एकेडमी आया है मध्य प्रदेश शासन की उन एकेडमी में उनका सिलेक्शन कराना ये हमारा काम है सर ने शायद मुझे इस लायक समझा कि मैं भी इन बच्चों को फिजिकल में ट्रेन करूँ फिजिकल की ट्रेनिंग दूँ और आर्मी में जो फिजिकल होता है उसमें ये लोग फिट बैठ हैं वैसे अभी बच्चे डेली प्रैक्टिस के लिए आए अभी दो दिन हुआ है लेकिन सर मुझे ऐसा लगा कि ये सारे बच्चे 101% सेलेक्ट होंगे बस बच्चों को कंटिन्यू ग्राउंड आना है जैसा कि सर ने भी बताया कि क्या धूप क्या पानी क्या ठंड क्या गर्मी जिस दिन ये सोच लिया कि हमको काम करना है हमको ग्राउंड जाना है हमको पढ़ाई करनी है जिस दिन ये अपने इधर से भी बिठा लिया दिमाग में बिठा लिया तो फिर कोई भी आपत्ति विपदा आप लोगों के सामने बिल्कुल खड़ी नहीं रहेगी वो तो भागेगी छू मंतर करके हर प्रॉब्लम भागेगी आप लोगों से दूर क्योंकि इतना सक्षम आप लोग बन जाएंगे कि परेशानी क्या होती है ये तो आपके समझ में नहीं आएगी तो बहुत ज्यादा न करके अपन सारा कुछ ग्राउंड पे करेंगे रिजल्ट दिखाएंगे और सर लोग को आप लोग विश्वास दिलाइए कि हम आप लोग से मोटिवेशन लेकर के मोटिवेट होकर के 101% सारे के सारे बच्चे इंडियन आर्मी में जाएंगे और इंडियन आर्मी जैसे रिस्पेक्टिव जॉब मुझे आज तक कोई नहीं दी मैं अभी अमरनाथ से आया 10-12 दिन पहले लेकिन वो यात्रा कठिन यात्रा है लेकिन वो इतनी सरल है केवल इंडियन आर्मी की वजह से और हर श्रद्धालु उनको रिस्पेक्ट देते हुए जाते हैं और वो लोग इतनी सेवा करते हैं मैं खुद अपने नजर से देख के आया हूँ अमरनाथ में इतनी सेवा करते हैं और इतनी हेल्प करते हैं इंडियन आर्मी कि पता ही नहीं चलती उतनी कठिन यात्रा कितनी इजी हो गई तो भारत देश में अगर कोई रिस्पेक्टिव जॉब है आज के समय में इंडियन आर्मी उसमें आप किसी भी फील्ड में जाइए आपको जो मान और सम्मान मिलेगा वो तारीफ के काबिल है